फाइनली दोस्तों काफी लंबे समय के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला चल रहा था वो आखिरकार खत्म हो ही गया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का न्यूज आप लोग को ही चैनल पे देखने को मिलते ही रहेगा। तो दोस्तों इन दिनों आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो रिश्ता का जो खटपट चल रहा है वो सोशल मीडिया बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। और वो सब चीज में देखने को मिल रहा है कि सब पवन सिंह पे ही ब्लेम कर रहे हैं कि पवन सिंह मतलब चुनाव के चलते ज्योति सिंह का इस्तेमाल किए हैं, चुनाव के बाद पवन सिंह ज्योति सिंह को डिवोर्स दे रहे हैं और पवन सिंह तीसरा शादी करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह तीसरा शादी करना चाह रहे हैं। और ये चीज देसवा न्यूज वाली जो बबीता मिश्रा है वो भी बार बार पवन सिंह पे बोल रही है कि पवन सिंह बहुत ही खराब आदमी है, वो ज्योति सिंह का सिर्फ इस्तेमाल किए है, ज्योति सिंह को अपने मतलब अपने चुनाव में ज्योति सिंह को बुला के ज्योति सिंह का सिर्फ इस्तेमाल किए हैं, इस्तेमाल करने के बाद वो ज्योति सिंह को छोड़ रहे हैं। अभी दोस्तों बबीता मिश्रा का ये सब न्यूज चल ही रहा था तब तक पवन सिंह की जो वाइफ ज्योति सिंह है उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया, जो कि संतोष सिंह नाम के एक व्यक्ति है उन्होंने वायरल कर दिया कॉल रिकॉर्डिंग को। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में ज्योति सिंह ने बोल दिया कि पवन सिंह का जनवरी में तीसरा शादी होने वाला है। और पब्लिक जैसे ही ये सब बात सुना उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तरह का भूचाल आ गया था। दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद तरह तरह का न्यूज बनना स्टार्ट हो गया कि पवन सिंह बहुत ही बेकार आदमी है, पवन सिंह सिर्फ ज्योति सिंह का इस्तेमाल किए हैं, वो डिवोर्स दे रहे हैं, वो तीसरा शादी कर रहे हैं, मतलब इस तरह का न्यूज बहुत ही सारा बनना शुरू हो चुका था, जिससे पवन सिंह की छवि पे भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। और बबीता मिश्रा जो है वो काराकाट में अपने रिपोर्टर को भेज के वहां के लोगों से पूछ रही थी, इससे देखा जा रहा था दोस्तों तो पवन सिंह के छवि पे यानी कि पवन सिंह के कैरियर पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। पर दोस्तों इसी बीच एक नया ट्विस्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े जज है जिनका नाम है एपी सिंह, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि पवन सिंह तीसरा शादी नहीं करने वाले हैं। पवन सिंह के बीच जो शादी है मुद्दा मैरिज नहीं है, ये टेम्परेरी मैरिज नहीं है। और ये शादी करने वाले पवन सिंह फिर से तीसरी शादी करने वाले हैं। मुझे ज्योति सिंह को पवन सिंह ने पत्नी का दर्जा नहीं दिया था क्या सर? नहीं, पत्नी का दर्जा था, उनका पति का दर्जा था, चुनाव के एफिडेविट से बड़ा कोई मजबूत एफिडेविट नहीं होता। और पवन सिंह के एक खास म्यूजिक डायरेक्टर है जिनका नाम है प्रियांशु सिंह, वो भी अपने इंस्टाग्राम पे Q&A रखे थे, उसमें भी लोगों ने सवाल किया था कि क्या पवन सिंह तीसरा शादी करने वाले हैं, तो प्रियांशु सिंह ने भी डायरेक्ट जवाब दिया था कि नहीं, ये सब एक अफवाह है, जो कि अफवाह मार्केट में उड़ रहा, पवन सिंह तीसरा शादी नहीं करने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों इधर पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में थोड़ा बहुत हल्का खटपट हुआ था, वो क्या खटपट था, किस बात से हुआ था, वो तो पवन सिंह ही बता पाएंगे और ज्योति सिंह ही बता पाएगी। पर इधर देखने को मिल रहा दोस्तों कि सब ये सब नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि ज्योति सिंह भी अपने इंस्टाग्राम पे जो सैड सैड रील्स बनाती थी वो सैड रील्स अब नहीं बना रही हैं, और जो स्टोरी लगाती थी उस प्रकार का कोई स्टोरी भी नहीं लग रहा। और ये सब देखने से दोस्तों लग रहा है कि ये सब जो मतलब पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में जो भी मामला था वो सब अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और दोस्तों आप लोग को ये न्यूज़ कैसा लगा है, आप लोग को ये गुड न्यूज़ कैसा लगा है, आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।